अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल फिट फाट होंगे। तो ये मज़ेदार सी शानदार सी रेसिपी है और यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी तो मैंने कहा चलो पकौड़े शकौड़े तो हम लोग खाते ही रहते हैं तो आज कुछ नया बनाया जाए। तो यहाँ पे मैंने जो है वो आलू ले लिए थे और उन्हें मैंने इस तरीके से कट कर लिया था और उन्हें हमें 3 से 4 पानी में, साफ़ पानी में हमें वॉश करना है क्योंकि आलूओं के अंदर ऐसे बहुत मिट्टी होती है, हम जितना उसे वॉश करें उसके अंदर से उतनी मिट्टी निकलती है। लेकिन कोशिश करें कि बिल्कुल साफ़ और 5 से 6 पानी में वॉश करके फिर खाएं। और यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया था और मैंने उसके अंदर यहाँ पे 1 कप के दरमियान ऑयल ऐड किया था और जब तक ऑयल तेज़ गर्म नहीं हो जाता हमें थोड़ा सा वेट करना है। ये देखिए जी, पानी बिल्कुल साफ़ है और मैंने यहाँ पे 10 से 12 दफ़ा आलूओं को वॉश कर लिया था क्योंकि आलू एक ऐसी चीज़ है ना, ज़मीन से निकलती है, हर सब्ज़ियाँ ज़मीन से निकलती हैं लेकिन आलू भी निकलते, तो उसके अंदर काफ़ी मिट्टी होती है, इतनी मिट्टी होती है कि आप जितना भी वॉश करो मिट्टी उतनी ही निकलती है। तो तकरीबन मैंने इसे 5 से 6 दफ़ा वॉश करने के बाद फिर मैंने इसको ऑयल ऐड किया था, फिर मैंने इसको ऐड किया था। मैं कुछ इसके अंदर ऐड नहीं करना, बस इसको ढक दे के स्लो आंच पर छोड़ देना है और उसके बाद हम अपने दूसरे काम की तरफ आ जाते हैं। मैंने यहाँ पर हरा धनिया ले लिया था और हरा धनिया भी मैंने वॉश करके यहाँ पे ले लिया था और मैंने मिर्च कुछ इस तरीके से काट लिए थे। आप लोगों को जैसे अच्छे लगते हैं आप लोग वैसे भी काट सकते हैं, मुझे ऐसे पसंद है तो मैंने ऐसे ही काटे हैं। अच्छा जी, अब मैंने इसके अंदर हरा धनिया भी ऐड कर लिया है मिर्चों के साथ। मिर्चों में मैंने ना बस उसे 10 मिनट के लिए ढक दे दिया था ताकि मिर्च जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर लिया था और उसको मिक्सअप करके थोड़ी देर छोड़ देना है। और अब उसके बाद मैंने यहाँ पे मिर्चों पे क्या ऐड किया था, मसालों पे मैंने यहाँ पे नमक, मिर्च और हल्दी ऐड की थी अपने टेस्ट मुताबिक। और ये आप लोगों को जितना ऐड करना है आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा, यकीन करें इतना यमी बना था और इतना लजीज बना था माशाल्लाह से कि एक तो बारिश हो रही थी, मौसम इतना अच्छा हो रहा था और ऊपर से यही वाह टेस्टी। ये देखें बन चुका है हमारा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में आप सबके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।